प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। सोमवार से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया, जबकि 35 स्पेशल ट्रेन भी बिहार पहुंच रही हैं। इससे करीब 45,000 मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बिहार पहुंचने वाले मजदूरों को देखें तो अब तक 337 ट्रेनों से 5,00,000 प्रवासी लौट चुके हैं। अनुमान के मुताबिक 25 मई तक 10 से 15,00,000 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। एक तरफ प्रवासियों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने जोन के हिसाब से टेस्टिंग और क्वारंटाइन करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने बिहार लौटने वालों के रोजगार को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है। सरकार ने मनरेगा के तहत 18 करोड़ श्रमिक कार्य दिवस को बढ़ाकर 24 करोड़ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर 65,00,000 श्रमिकों को काम मिल सकेगा। खास बात यह है कि मनरेगा में रजिस्ट्रेशन और काम पाने वालों में 30% का इजाफा भी हुआ है। बिहार में मनरेगा में काम करने के लिए मार्च में 2.25 लाख से अधिक ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लॉकडाउन के बीच 16 अप्रैल से काम शुरू होने पर पहले ही दिन 2.77 लाख लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया। लॉकडाउन के दौरान बिहार में 2.33 लाख जॉब कार्ड भी बनाए गए। दरअसल सरकार की कोशिश है कि बिहार लौटने वालों को काम दिया जा सके। इसके साथ ही प्रवासियों को अनाज देने के साथ कई लाभ देने का ऐलान भी किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के चौथे फेज को लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। इसको देखते हुए गाइडलाइंस के सख्ती से फॉलो की हिदायत भी दी जा चुकी है। वहीं प्रवासियों के लौटने को लेकर रेलवे ने सबसे ज्यादा 300 ट्रेनें बिहार के लिए चलाई है। बताते चले कि रेलवे ने अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों समेत दूसरे लोगों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। जबकि बिहार सरकार ने भी भरोसा दिया है कि सभी को वापस लाया जाएगा, उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।